कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के सूफा मस्जिद से पकड़े गए 8 विदेशी जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। नाम दर्ज विदेशियों में ईरान के रहने वाले इब्राहिम फौलादी, अब्दुल रहीम मजदनी यूनुस रेगी, अफगानिस्तान से महमूद शाह हुसैनी, सब्बीर अब्दुल रहीम, जरीन जायजान मोहम्मद, बरातर हमदुल्ला यूके से दाऊद अयूब इस्माइल के विरुद्ध दरोगा अब्दुल्ला कलाम ने थाना बाबूपुरवा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिनके ऊपर धारा 188, 269, 270 व फॉरेन एक्ट में लिखी हुई FIR की गई। सभी आरोपी कोटाइन पुलिस कस्टडी में हैं। निजामुद्दीन से बाबूपुरवा ये सारे आरोपी आए हुए थे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाबूपुरवा थाने में पकड़े गए हैं, मैम उनके बारे में बता दीजिए, डिटेल दे दीजिए। थाना बाबूपुरवा में कुछ 8 विदेशी नागरिक जो कि जमात से आए हुए थे, उनकी सूफा मस्जिद में होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। उनको वहां से ले जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की सहायता से क्वारंटाइन कराया गया है और उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है। इनके ऊपर पुलिस द्वारा FIR सुसंगत धाराओं में कराई गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मैम इनको क्या किसी का फोन आके पकड़ा गया था या पुलिस ने कैसे इनको अरेस्ट किया, कहां से अरेस्ट किया? इसके ऊपर हमें जानकारी खुफिया सूत्रों से प्राप्त हुई थी कि ये लोग जो है आकर यहां पर रह रहे हैं। ये लोग कहां, दिल्ली से आए थे?